ये हमारा सॉल्ट जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ये कोरिएंडर पाउडर, ये देगी मिर्च कलर के लिए, ये रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, लेमन जूस, किचन किंग, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रोस्टेड कसूरी मेथी, कैडमियम पाउडर, रोगन जो हमने कलर के लिए बना रखा है, हम कलर यूज नहीं करेंगे। और ये हो गया लेबना जिसको हम हैंकर के उसमें यूज करते हैं। ये है मस्टर्ड ऑयल जो तंदूर के लिए स्पेशल यूज होता है। ये मस्टर्ड ऑयल डाल के हम 150 ml मस्टर्ड ऑयल जिंजर गार्लिक पेस्ट इसको 3 से 4 स्पून डालेंगे हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। देगी मिर्च 3 स्पून, क्यूमिन पाउडर 3, किचन किंग 4 स्पून, कैडमियम पाउडर 1.5 स्पून, कसूरी मेथी 1.5, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट आएगा टेस्ट के हिसाब से। हम लोग डाल रहे हैं अभी 1.5 स्पून, उसके बाद आएगा तुम्हारा लेमन जूस जो हमने 4 लेमन को स्क्वीज किया है। उसके बाद आएगा हमने रोगन बना के रखा है, ये भी हमने 150 ml बनाया है। ये सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, इसके बाद हम इसमें एंकर डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे विस्कर से। 4 kg के लिए हमने एंकर ले लिया और अब हम इसमें एंकर डालेंगे। हम 4 kg का तंदूर का मसाला बना रहे हैं, मिक्स करेंगे। हम लोगों ने इसमें कलर यूज नहीं किया है, बाकी बहुत सारे होटलों में कलर यूज करते हैं तंदूरी मसाले में, हम लोगों ने कलर नहीं डाला इसमें। इस मसाले से हम चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, ड्रमस्टिक भी रेड कलर में जाते हैं, वो सारे ये रेड मसाले में बनेंगे। और मसाला बनने के बाद हम इसी मसाले से आपको चिकन टिक्का बना के दिखाएंगे कि इसकी फ्लेवर कैसे आ रहा है और उसका कलर कैसे आ रहा है। अब हमारा ये मसाला है ये अच्छा से मिक्स हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस हम इसमें चिकन टिक्का मैरिनेशन के साथ में डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। चिकन था एक पोर्शन, हम मैरिनेशन करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट के साथ में। इसको 30 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। ये डाला हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, इसको हम मैरिनेशन करेंगे अच्छा सा और इसको चिलर में रखेंगे 30 मिनट के लिए। ये हमने मैरिनेशन करके रख दिया
और इसको 30 मिनट चिलर के अंदर रखेंगे। उसके बाद इसमें मसाला लगाएंगे। मिनट रेस्ट हो गया चिकन को। अब हम इसको आगे का प्रोसेस बताते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा हम, अब ये हमारा जो मैरिनेशन 30 मिनट फिनिश हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला मिक्स करेंगे। ये डाला हमने इसमें थोड़ा सा किचन किंग, ये डाला हमने थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा सा कोरिंडर पाउडर, थोड़ा सा देगी मिर्च, थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा कैडमम पाउडर, एक स्पून डालेंगे हम लेमन जूस। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने जो तंदूर का मसाला बनाया है वो इस टिक्के पे लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको 20 मिनट रेस्ट देंगे। इसमें ये मसाला डालेंगे जो हमने बना के रखा हुआ है तंदूरी टिक्का के लिए, 2 स्पून डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से हम। मिक्स करने के बाद और 20 मिनट इसको हम रेस्ट देंगे और उसके बाद हम तंदूर में लगाएंगे। हमारे टिक्के को 30 मिनट हो गए हैं और हम इसको तंदूर के अंदर डालेंगे और फिर इसका टेस्ट देखेंगे कैसे हो रहा है। को 20 to 25 मिनट।